नसरी, वहीद, हिना, मैराज और दूसरे बच्चे गांव के मेले में गए। मेले में मुख्तलिफ किस्म के खेल थे, बच्चों ने उनका मजा लिया। मेले में मुख्तलिफ किस्म की दुकानें थी, कुछ कपड़ों की थी, कुछ खिलौनों की थी, कुछ खाने पीने की अशिया की थी, लेकिन बच्चों की जो भीड़ थी वो खिलौनों की दुकानों पर और खाने पीने की दुकानों पर थी। ज़का मेले में नहीं गया था, उसने वहीद से पूछा कि मेले में कौन कौन सी दुकानें थी, कितनी थी, तो वहीद ने उसे जदूर के जरिए मालूमात दिया। गिदई अशिया की 5 दुकानें थी, खिलौनों की 3 दुकानें थी, कपड़े की 2 दुकानें थी और दीगर 5 दुकानें थी, लेकिन नसरी ने इसे और तस्वीर के जरिए जानकारी बनाया। देखिए वहीद ने, नसरीन ने तस्वीर के जरिए इसे दिलकश बनाया। उसने वहीद ने पूछा कि तस्वीरों का क्या मतलब। वह नसरीन ने कहा गिज़ाई अशिया की 5 दुकानें इसलिए 5 दुकानों की 5 तस्वीर, खिलौनों की 3 दुकानें हैं इसलिए खिलौनों की ये तस्वीर के जरिए 3 दुकानें, कपड़े की 2 दुकानें हैं ये तस्वीर के जरिए 2 दुकानें, दीगर 5 दुकानें हैं कि तस्वीर के जरिए 5 दुकानें हैं। लेकिन हिना ने पूछा अगर दुकानें ज़्यादा हो तो क्या उतनी तस्वीरें बनानी पड़ेंगी। तो आपा ने कहा नहीं, इतनी तस्वीरें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बाग के जब आम आते हैं तो हम आमों को एक एक बॉक्स में 24-24 भरते हैं और जब आमों की तादाद मालूम करना होती है तो हम बॉक्स गिनकर डिब्बे गिनकर उसकी तादाद मालूम करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम तस्वीर शुमारियात की दूसरी मिसाल देखकर और इसे ज़्यादा बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। मेराज ने कहा कि मेरे मकान के सामने एक बाग है, उस बाग में गुलाब के पौधों की तादाद 50 है, जासमीन के पौधों की तादाद 20 है और सदाबहार के पौधों की तादाद 30 है। तो उसने एक जदूल बनाकर उसे पेश किया। तो एक पौधा यानी 10 फूल, ये हिसाब से यहाँ पर 5 फूल दिए हुए हैं, 5 तस्वीरें दी हुई है, इससे ये हमें समझ आए कि एक के लिए 10 तो 5 के लिए 50। इसी तरह यासमीन जी के 20 पौधे हैं, यहाँ पर 2 तस्वीरें बनाई हुई है, एक तस्वीर के लिए 10 पौधे, 10 पौधे तो 2 के लिए 20 पौधे, यानी यासमीन जी के पौधों की तादाद 20 हो गई। इसी तरह सदाबहार पौधों की तादाद 30 है, लेकिन यह तस्वीरें 3 ही है, तो 3 यानी 1 के हिसाब से 10 तो 3 यानी 30। इस तरह से महाराज ने अपने बात की मालूमात एक जदूल के जरिए पेश की, इससे तस्वीर शुमारियात को हमको समझने में बहुत मदद मिलेगी।